चलिए उससे चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज, इस हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, जबरदस्त टेक न्यूज एज यूजुअल। पहली खबर जो है वो अफेक्ट करने वाली है सभी लोगों को दोस्तों। गूगल सर्च हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं और सब लोगों का टाइम भी सेव होने वाला है। क्यों? क्योंकि गूगल सर्च ने अब नया फीचर तो नहीं है, उन्होंने ट्वीक कर दिया है उनका डिजाइन, जहां पे आप कुछ सर्च करोगे गूगल सर्च में तो आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहोगे। अभी कैसे होता था, एक पेज होता था, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट आते थे, अब ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस स्क्रॉल। छोटा सा चेंज है दोस्तों, लेकिन बहुत लोगों का टाइम बचाने वाला है। वेरी गुड, बात करते हैं आज के वीडियो की। थोड़ा अलग वीडियो किया हुआ है, आप लोगों ने iPhone 13 Pro Max का, जो मैं मेरा डेली ड्राइवर है, उसका रिव्यू आपने पूछा था, तो कर दिया आपके लिए दोस्तों, और अलग टाइप से किया हुआ है, जरा ज्यादा एफर्ट गए हुए हैं। जाके जरूर देखिएगा और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम तो पूरी कोशिश करते हैं आप तक जबरदस्त कंटेंट पहुंचाने की दोस्तों, बट आपका जो फीडबैक होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। इसी की बात पे दोस्तों लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह जो भी है कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो लाते रहते हैं। पोल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हमने पूछा था कि क्या आप एक ट्रांसपेरेंट फोन देखना चाहोगे, 81% लोगों ने कहा यस, 100% लोगों ने क्यों नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन है वो नो कहने वाले 19% लोग। आई रियली डोंट नो, मुझे तो देखना है भाई ट्रांसपेरेंट फोन, दैट विल बी नाइस। फोन पे देख रहे हो या फोन के पीछे देख रहे हो, कभी पता ही नहीं चलेगा। बात करते हैं अगले न्यूज की दोस्तों। सैमसंग जो है फोन शिपमेंट्स में थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 में सबसे आगे है एज फार एज मार्केट शेयर ऑफ स्मार्टफोन गोज या फिर फोन गोज। सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो 23% है, एप्पल 15%, शाओमी कुछ 14% है, वीवो 10% एंड ओप्पो 10%। वीवो और ओप्पो भी डबल फिगर्स में आ गए, वेरी गुड। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 15 14 10 10। वाओ, वैसे चिप शॉर्टेज की वजह से दोस्तों टोटल जो शिपमेंट है वो 6% से कम हो गए। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन EU और एप्पल के बीच में आगे पीछे डिबेट चल रहा है, डिबेट से भी ज्यादा थोड़ा झगड़ा चल रहा है। अब EU जो है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कहा था कि हम स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं और USB टाइप सी होना चाहिए। एप्पल ने कहा नहीं भाई, हम नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमें फोर्स करोगे ये करने के लिए देन यू विल स्टिफल इनोवेशन, मतलब इनोवेशन हम कर नहीं पाएंगे अगर ये सब चीजें आप लेके आओगे तो। और फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइप सी आप डालिए, उसकी वजह से इनोवेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड आई थिंक आई एग्री विद यू। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फोन नोकिया 3310, सभी जानते हैं टैंक था वो, कुछ भी कीजिए, किधर से भी फेंकिए, प्लेन से भी नीचे गिर के भी वो ठीक रहा है। लेकिन अब उसको डीथ्रोन, जी हाँ, उसको डिफीट करने वाला एक फोन आ गया है, iPhone 13 Pro। जी हाँ, iPhone 13 Pro ने बीट किया है स्ट्रेंथ टेस्ट में नोकिया 3310 को। और ये कैसे साबित हुआ, स्टील रेलिंग से दोस्तों उधर से नोकिया 3310 और iPhone 13 Pro फेंका गया। हाँ, बैक वगैरह जो है दोस्तों वो iPhone 13 Pro की जो थी टूट गई, लेकिन इट वॉज परफेक्टली इन ग्रेट कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में था। और दूसरा जो नोकिया 3310 था वो सब पार्ट्स, प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स वगैरह जो थे पीसेस हो गए, सब टूट फूट गए। वाओ, सो iPhone 13 Pro इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे रिमाइंडर दोस्तों, बड़ा रिमाइंडर, कल आस्क अरुण आ रहा है और क्या जबरदस्त आस्क अरुण है। मार्क योर कैलेंडर्स, 10:45 AM टुमारो मॉर्निंग आस्क अरुण 198, सिर्फ दो रह गए हैं डबल सेंचुरी के लिए, जाके देखिएगा सर। और दोस्तों ये जो अगली खबर है, जी हाँ, सेल के सीजन में ऐसी खबरें सुनाई देती है। किसी ने iPhone 12 मंगाया अमेजोन से, 70,900 रुपये दे के ऑर्डर किया, आ गया घर पे विम बार, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात, 5 रुपये का कॉइन था उसके अंदर। अक्टूबर 12th को उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से, अमेजोन का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, बट सोचिए 70,900 का विम बार और 5 रुपये का कॉइन, ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, मतलब जिसके ऊपर ये बीत रही है, Oh my God। चले स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। अभी तो बहुत सारे लॉन्चेस हो गए हैं, तो थोड़ा धीरे हो जाएगा, बट फिर भी दोस्तों Realme Q3S जो है दोस्तों अक्टूबर 19th को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, GT Neo 2T एंड Watch T1 ये अक्टूबर 19th को चाइना में लॉन्च होने वाले। उसी लॉन्च इवेंट में Q3S भी लॉन्च होने वाला है। अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, Qualcomm Snapdragon 778G पे है, अडाप्टिव 144Hz का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सो जी हाँ, और द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि Q3S जो है ये
रियलमी 9 प्रो 9 सीरीज में कोई फोन हो सकता है जो इंडिया में लॉन्च होगा नंबर सीरीज में. सो या लेट्स वेट फॉर. और दोस्तों अब ऐसी खबर आ रही है कि ये जो S21 FE है जो जिसका लॉन्च इवेंट होने वाला था अभी अगले एक दो महीनों में नवंबर दिसंबर में नहीं जनवरी 11 को लॉन्च होने वाला है. जॉन प्रोसर ये बेसिकली लीक्सटर है, बहुत सारे लीक्स वगैरह डालते हैं. उन्होंने कहा है अनपैक्ड पार्ट 2 जो होने वाला था अक्टूबर 20th को और कहा जा रहा था कि S21 उसमें लॉन्च होने वाला है. ऐसे नहीं होगा, नवंबर दिसंबर नहीं, अक्टूबर में ही लॉन्च होने वाला था. जी हाँ. सो या डिलेड, सब डिले, चिप शॉर्टेज की वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा डिले हो रहा है बहुत सारी चीजों में. ऑलराइट, जो अभी एक इवेंट होने वाला है एप्पल का अनलीस्ट इवेंट उसके बारे में बात करते हैं. मैकबुक प्रो 2021 जो लॉन्च होने है, कहा जा रहा है इसमें लॉन्च होने वाला है, वो नए एस्पेक्ट रेशियो के साथ आने वाला है. 14:9 एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है और बहुत ही पतले बेजल्स होंगे. और अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों, मतलब पोर्ट्स बटन्स की, तो HDMI पोर्ट होने वाला है उसके अंदर, फुल साइज HDMI पोर्ट, दो USB Type-C पोर्ट होंगे एंड MagSafe चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है. यस, MagSafe चार्जिंग कमिंग टू MacBook Pros. वाओ. OnePlus 9 RT के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, अगले दो हफ्तों में लॉन्च होने वाला कहा जा रहा है. और प्राइस जो है दोस्तों उसकी सेम OnePlus 8T की जो प्राइस है वही सिमिलर होगी, 40,000 टू 44,000 के करीब होने वाला है. और उसी टाइम में IQOO 8 भी लॉन्च होने वाला है जिसकी स्पेसिफिकेशंस भी बहुत सिमिलर होने वाले हैं. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लैगशिप एंड बजट फ्लैगशिप फोन्स कमिंग. बजट तो नहीं कह सकूंगा, फ्लैगशिप फोन. चलिए टेक न्यूज़ होती है खत्म. अच्छे ऑफर्स डील्स वगैरह उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा. वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का, सुपर डांस वर्ल्ड नाम है. सुपर डांस वर्ल्ड गेम है दोस्तों, आपको भागना है, जंप करना है, मॉन्स्टर्स को डिफीट करना है. मारियो आपने खेला है, उसी के जैसे क्लासिक गेम है, बहुत ही अच्छा है. अगर क्लासिक गेम्स आपको अच्छे लगते हैं तो लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा. वक्त होता है ट्रैकिंग डेक टेजरन का. कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा जाए कमेंट सेक्शन में #TDDJ टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताएं आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आपसे आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर. कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं आयुष कार्लेकर, कांग्रेचुलेशन आयुष जी. भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर. एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार का नाम लेने का. कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं निशु आनंद, शाहबाज आलम, प्रशांत सिंह. कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों. ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट रिप्लाई देता रहूंगा. चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1171 खत्म होती है इधर. इफ यू लाइक इट, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं होकर शेयरिंग करना, आपके हाथ में रिमाइंड करना, मेरे हाथ में. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.